एसपी का छठवां चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स का जो ऑब्जेक्टिव्स है पेज नंबर 101 वो हम देख रहे हैं। तुम क्या कर सकते हो, बुक सामने रख के तुम्हारे सामने एक एक ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो उसके आंसर देखो क्या क्या जमता है। यहाँ पे मैं पूछूंगा, जिसको आता है वो जवाब दो, कुछ जगह पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। पहला, डायरेक्टर्स आर दी डैश, बोलो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर। थोड़ा सा जोर से बोलना, इधर शायद आवाज मुझे इतना नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलना। नाउ डायरेक्टर्स आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। डायरेक्टर्स इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर, डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। 30, 40 या 20? नाउ डिविडेंड चैप्टर का कायदा ये है, डिविडेंड जैसे डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। 30 डेज का कायदा है। शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड थ्रू डैश, शेयर, डिबेंचर या डिविडेंड वारंट, जो है कौन सा है, शेयर वारंट, डिबेंचर वारंट या डिविडेंड वारंट। डिविडेंड लेकिन जैसे मैंने बताया, ये डिविडेंड वारंट का भी जमाना चला गया, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है डिविडेंड का, तुमको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आता था डिविडेंड तो बैंक में जाओ जमा करो, वो टाइम भी वेस्ट होता था, अभी डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। शेयर्स इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स आर नोन एज डैश शेयर्स, प्रेफरेंस, इक्विटी या बोनस। थर्ड चैप्टर में भी था ये, एसपी के बोनस। बोनस। शेयर सर्टिफिकेट शुड बी रेडी फॉर डिलीवरी बाय द कंपनी विद इन डैश मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये वापिस थर्ड चैप्टर एसपी में था। बोलो कितने महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देना होता है? 2 महीने के अंदर, अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर, लेकिन आज के तारीख में प्रैक्टिकली 7 दिन के अंदर मिल जाता है, वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है डीमैट अकाउंट में। सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स शुड बी लेंथी, शॉर्टकट, प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। पर मेरा जो अनुभव रहा है कि शेयर होल्डर्स नॉर्मली कंपनी को लेटर बहुत कम लिखते हैं, उनको दो चीज से मतलब है, एक तो डिविडेंड से और एक शेयर बाजार में शेयर्स की कीमत की बढ़ोतरी। इसके अलावा शेयर होल्डर ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डैश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स। एक्चुअली वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स है, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तुम जब थर्ड चैप्टर करोगे उसके बाद डायरेक्टली ये कर लेना तो कनेक्ट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कॉमन सेंस है, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ डैश ऑफ द कंपनी, कैपिटल, क्या बिल्डिंग फंड या प्रॉफिट, किसमें से कंपनी देगी? प्रॉफिट्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डैश इज इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट द एजीएम ऑफ द कंपनी। डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट, शेयर वारंट। अभी एजीएम में तो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो किस प्रकार से देगी, डिविडेंड वारंट के, इंटरेस्ट वारंट के, शेयर वारंट? डिविडेंड बोलो, वॉर डिविडेंड वारंट। करेक्ट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स में आते, मैच द पेयर्स में आते हैं। ए, डिविडेंड वारंट कौन सा इसमें दिख रहा है, ग्रुप बी में चेक करो। इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो आंसर करेक्ट है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मली लेटर्स में केसलेट्स नहीं होते, सो ऑब्जेक्टिव्स कम ही रहेंगे, कोई भी एक इसमें से ये लोग पूछेंगे एग्जाम में। चलो बी में आओ, रिटर्न ऑन शेयर्स, कितना इजी है देखो। शेयर्स पर रिटर्न क्या दिया जाता है? डिविडेंड
डिविडेंड सी बोनस शेयर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कैपिटलाइजेशन रिजर्व फंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड एनईएफटी डिविडेंड बोलो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड यस तो उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोलते हैं बोनस शेयर को क्योंकि रिजर्व्स को डेबिट डाल के शेयर कैपिटल को क्रेडिट डालते हैं रिजर्व्स कम हो जाएगा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा ठीक है ना इस प्रकार से डिविडेंड दिया जाता है हालांकि तुम बोनस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम की मदद से भी दे सकते हो ईसीएस फुल फॉर्म क्या है बोलो ओके आवाज नहीं आ रहा मैं समझ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ईसीएस और फिर लास्ट में ई ये तो बहुत इजी है ये ओसी में भी था आई थिंक ओसी के थर्ड या फोर्थ चैप्टर में ये था जिसमें बैंकिंग सर्विसेज था एनईएफटी ठीक है ना आज के तारीख में काफी इम्पोर्टेंट है ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर चलो वन वर्ड शेयर्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोलो क्या रहेगा बोनस शेयर्स मुझे समझ में आ रहा है नेट इश्यू हो सकता है कोई बात नहीं नहीं भी बोला तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड वारंट पर जैसे मैंने बताया ये इंस्ट्रूमेंट आजकल खत्म हो गया आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर होता है द शेयर होल्डर्स टू होम बोनस शेयर्स आर इश्यूड कौन से प्रकार के शेयर होल्डर्स है चैप्टर नंबर टू में एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने इक्विटी शेयर Yes, equity shareholders are entitled to bonus shares. Preference shareholders are not entitled to bonus shares. Both are. The authority which recommends the rate of dividend. Board of directors. Board of directors recommend करते हैं, shareholders declare करते हैं. An officer who comes into contact with all the members of the company through correspondence. कौन officer है जो सबसे shareholder से बात करता है? वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी सर सेक्रेटरी मत बोलना कंपनी सेक्रेटरी ठीक है अ स्पेशल काइंड ऑफ चेक इश्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स बैंकर टू पे द डिविडेंड अभी कितने बार हो चुका है ये बताओ कौन सा चेक भेजती है कंपनी तो चेक को बोलते हैं डिविडेंड वारंट जैसे मैंने बताया इसका पूछ ये एक्चुअली प्रेजेंट में रखना ही नहीं था क्योंकि ना डिविडेंड वारंट का जमाना पूरे तरीके से चला गया आज के तारीख में ना तुमको सिर्फ लेटर आएगा कि भाई तुमको डिविडेंड मिल चुका है ऑनलाइन सब ऑनलाइन पता भी नहीं चलता डिविडेंड ऐसे भी होता है लास्ट ईयर हुआ था ना एक बार खाते में पैसे में सोच रहा हूँ कैसे है बाद में पता चला वो डिविडेंड था सो ऐसे भी होता है तुमको ख्याल भी नहीं रहता कभी कभार SMS ईमेल भी लेट SMS तो मिस हो जाता है और ईमेल भी लेट आता है बट ऑटोमेटिकली आ जाता है Bonus shares are issued to existing equity shareholders. True or false? True. Building fund is used for issue of bonus shares. False. False. Correct. Bonus shares means capitalization of reserve fund. Registered shareholder get dividend through dividend coupons. False. Share warrant में मिलता है but share warrant तुमको syllabus में नहीं है इस साल पहले था share warrant होता तो सही होता dividend is the dividend warrant नहीं बोल रहा हूँ share warrant अब वो क्या है अभी syllabus में नहीं मैं डिटेल में explain नहीं करूंगा बहुत time जाएगा dividend is the portion of the profit of the company which is allotted to the shareholders of the debentures of the company कितना is ये
every company must issue or dispatch a share certificate to the allottee within 3 months after allotment of shares. भाई इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे चलेगा? आई थिंक अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंप्लेंट. पर ये सच बताओ ना, ये हम लोग क्यों टच में नहीं रहते? हमको पता है शेयर्स खरीदा 7 दिन के अंदर खाते में आ जाते डीमैट में. सो ये 2 महीना 1 महीने सबका जमाना चल गया. इनफैक्ट तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलोगे ना कितना महीना, वो खुद शॉक में आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो जमाना महीनों का चला गया, सब दिन में आ गया, हफ्तों में. और एक जमाना ऐसा आएगा कि दिन में रहेगा. कंप्लेन लेटर शुड नॉट बी रिप्लाइड प्रॉम्प्टली. कॉमन सेंस है यार, फॉल्स. प्रॉम्प्टली तो जवाब देना है ना, थोड़ा डेप्थ चाहिए था, बट ठीक है, डजंट मैटर. So find the odd one. Bolo, odd one, secrecy, dividend or interest? Secrecy. Bonus letter, dividend letter, board of directors. Board of directors. बोर्ड बोनस और डिविडेंड दोनों लेटर डिविडेंड के संबंधित है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करते हैं डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट और डीमैट. डीमैट दोनों रिटर्न्स है, डिविडेंड और इंटरेस्ट, और दोनों बंद हो गए आज की तारीख में. ब्याज इंटरेस्ट वारंट भी नहीं आता. डिबेंचर का जब हम चैप्टर देखेंगे ना, उसमें इंटरेस्ट वारंट रहेगा, वो भी जमाना चला गया. डीमैट आजकल सब बोलते ना ऑनलाइन हो गया है. सो डिविडेंड वारंट और इंटरेस्ट वारंट रिटर्न है डीमैट, जहाँ पे तुम्हारा शेयर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड लूसिड लैंग्वेज. ये बड़ा अजीब रखा है उन्होंने एक्चुअली ना. थोड़ा सा ये जो है डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं लूसिड लैंग्वेज, भाषा है. बाकी एक्चुअली डिविडेंड भी थोड़ा अजीब था. ये सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंसान है, डिविडेंड और लूसिड लैंग्वेज अलग है. सो पता नहीं कुछ भी ऐसे डाला है. आगे बढ़ते हैं. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द Board of Directors. Board of Directors. A company capitalizes its reserve fund for issue of dash shares. Bonus. Payment of dividend must be made within dash days of its declaration. जब dividend का chapter करेंगे, हम third chapter के ऊपर directly लिए. तो जस्ट बता दो, एजीएम जिस तारीख को होता है उसके बाद 30 दिन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है. ठीक है, तब डिटेल में सीखेंगे. डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द डैश. डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं इन द बोर्ड मीटिंग और डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं इन द एजीएम. ये मैं बता दूं, द डैश हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट टू द मेंबर्स बाय कंडक्टिंग करेस्पॉन्डेंस. कंपनी सेक्रेटरी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. पहला ए, रिटर्न ऑन शेयर्स. डिविडेंड. कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड. बोनस शेयर्स. करेस्पॉन्डेंस. रिटर्न कम्युनिकेशन. करेस्पॉन्डेंस इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन बाय द company secretary, does it on behalf of the board of directors. Payment of dividend electronically. Last ka jo bacha hai, electronic clearing services, ECS. Ye to answer in one sentence hai. Dividend warrant kya hai? It's a check given by the company to
the shareholders for the dividend which the company intends to give. एक order है, ठीक है? What is capitalization of reserve before giving dividend? Before giving bonus shares, the money from the reserve is transferred to the share capital. इसलिए capitalization of reserve बोलते हैं, क्योंकि reserve को debit डालते हैं और share capital को credit डालते हैं. तुम्हारा reserve कम हो जाता है. Retained earnings मतलब जो कंपनी ने कमाया है वो कैश के रूप में नहीं देखे, उसको बैलेंस कम करके रिजर्व का वो फुकट का शेयर देने के लिए यूज किया जाता है बोनस शेयर होल्डर्स को. तो इसलिए बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना? सो ये पॉइंट था. नेक्स्ट, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिच इज गिवन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स. करेक्ट. Who recommends the rate of dividend? The board of directors in the board meeting recommends the rate of dividend. और उसका declaration कौन करता है? Shareholders declare करते हैं. कहाँ पे? Annual general meeting. ठीक है? और फिर dividend कितने दिन के अंदर distribute होना चाहिए? 30 दिन के अंदर. Which type of shareholders enjoy the benefit of bonus shares? इसका जवाब तुम दे सकते हो. Equity shareholders. Equity shareholders. What is meant by payment of dividend electronically? It means these days check is not sent to the shareholder. The dividend which is payable to the shareholders is transferred to their bank account electronically through the process of ECS. So the payment of dividend made electronically. ये सबसे बढ़िया है आज के तारीख में ना. हमारे लाइफ में हमको जो तकलीफें हुए वो तुमको नहीं होगा. तुमको बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, ठीक है ना? चलो, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय शेयरहोल्डर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यस, शेयरहोल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. द पर्सन हु परचेजेस द शेयर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड डिपॉजिटर. शेयरहोल्डर. शेयरहोल्डर या मेंबर भी बोल सकते हैं, बट शेयरहोल्डर बोलो. Bonus shares are issued as a free gift to the preference shareholders. Equity shareholders. Equity. Existing equity shareholders. Payment of dividend must be made within 21 days of its declaration. 30 days. A company must issue the share certificate within 3 months of the allotment of shares. 2 months of the allotment of shares. But ये जमाना चला गया 2 months का, 7 दिन में मिल जाता है तुम्हारे डिमांड. और हम आते हैं आखिरी में. अरेंजमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर. अलॉटमेंट एप्लीकेशन शेयर सर्टिफिकेट. पहले क्या होगा बोल तो बताओ. प्रॉपर ऑर्डर क्या है? पहले बी होगा, तुम शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे. फिर कंपनी का बोर्ड मीटिंग होगा. फिर क्या होगा? तुमको अलॉटमेंट होगा. अलॉटमेंट होगा उसके 2 महीने के अंदर तुमको क्या भेजना पड़ेगा? शेयर सर्टिफिकेट. सेकंड नंबर, हाँ, मेंबर एप्लीकेंट बोनस शेयर्स. Applicant member बोना. पहले yes, पहले applicant होता है, वो apply करेगा IPO के द्वारा. फिर उसको shares दिया जाएगा. जैसे shares दिया जाएगा वो member या shareholder बन जाएगा. और फिर annual general meeting में उसको bonus shares दिया जाएगा 6-8 महीने 1 साल कुछ साल बाद. So bonus shares आखिरी में आएगा. Correct. So यहाँ पे इस चैप्टर का, छठवें चैप्टर का करस्पोंडेंस विद मेंबर्स जो कि एसपी का 6th चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव्स खत्म होता है बाल भारती.